हेलो फ्रेंड्स, तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये यूट्यूब चैनल बेसिकली जो मेरा स्टार्ट करने का उद्देश्य था वो ये था कि चूंकि हमारा भी एक कंप्यूटर सेंटर है जिसके नाम पे हमने ये यूट्यूब चैनल बनाया है, तो उद्देश्य ये था कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते थे जिनको अगर हमने कोई एक चीज़ एक बार एक्सप्लेन की तो वो एक बार में वो चीज़ कैच नहीं कर पाते थे, वो चीज़ समझ में नहीं आती थी, तो वो चाहते थे कि बार बार उस चीज़ को बार बार देखें, बार बार देख करके फिर वो उसको प्रैक्टिस करना चाहते थे। तो उस दौरान ये जब यूट्यूब चैनल के बारे में भी हमको जानकारी नहीं थी तो हमने क्या किया कि कैसे जो भी चीज़ें डेस्कटॉप में चल रही हैं उसको हम रिकॉर्ड कर सकें, तो उसके लिए हमने डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर निकाले और उसके द्वारा जो भी चीज़ हम एक्सप्लेन करते थे तो माइक लगा करके उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया और ऐसे रिकॉर्ड करते हुए हमने बहुत सारे वीडियो बनाए। उन वीडियोस को बनाने के बाद हमने क्या कुछ समय बाद देखा कि लोग YouTube पर भी इस प्रकार से चैनल बना करके वीडियो अपलोड करते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना जो वीडियो हमने बनाए हुए इन वीडियो को अब हम इस YouTube में चैनल बना करके अपलोड कर दें और किसी को अब हमको वीडियो को कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इस वीडियो को जो है हम आसानी से शेयर कर देंगे। तो ये मुख्य उद्देश्य था हमारा ये यूट्यूब चैनल बनाने का। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर सेंटर है उसका जो कोर्स हम करवाते हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी से DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और PGDCA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो हमारे जो मेन दो कोर्स हैं वो ये होते हैं। अब एक अगली प्रॉब्लम आती थी कि जो एग्ज़ाम होते थे उन एग्ज़ाम में किस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए स्टूडेंट लगातार जो है हमसे क्वेश्चन करता था और स्ट्रगल करता था, तो उसके लिए हमने स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स कंटेंट तैयार किया जो थे हमारे हिंदी में नोट्स। तो अब तो जुलाई 2018 से थोड़ा सा माखनलाल चतुर्वेदी ने सिलेबस में चेंजेस किए हैं, तो जो भी चेंजेस किए हैं उसके बारे में सिलेबस हम नया अपलोड करेंगे, बहुत जल्द अपलोड करेंगे, लेकिन जो हमारे पुराने नोट्स हैं जिसमें कि बहुत सारे चीज़ें लगभग वैसी ही हैं, तो उनकी कौन कौन से नोट्स हैं उसकी डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक जो है दी हुई है, तो अगर आप उन नोट्स को लेंगे और अगर आप कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं तो ये नोट्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। आप डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप अपने स्टूडेंट्स को भी प्रिंट निकाल करके दे सकते हैं, तो उनको बहुत सारी बुक्स जो है पढ़नी नहीं पड़ेगी और बड़े ही आसानी से वो पेपर में अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाएंगे। यदि आपको नोट्स पसंद आते हैं तो बहुत ही साधारण सी कॉस्ट पर हमने उन नोट्स को लगाए हुए, आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपको कितने का नोट्स है वो सारी जानकारी मिल जाएगी।